लोग जाएंगे, पहले मैं वो बताती हूँ, सरोजनी नगर, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, बहुत पहले आई थी, बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं है। तो और एक बात, लास्ट दो ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपके कमेंट्स सब सब पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वैसे हम लोग चारों अभी यहाँ पर है, और जो कैमरा पार्टनर वो है रमका, तो अभी ब्रेकफास्ट करने हम लोग आ रहे थे, अभी ऊपर जाके रेडी होते हैं, रेडी होके फिर आपसे बातें करते हैं, क्या क्या ग्रेवी क्या सब कुछ बताओ। जैसे मैंने बोला, हम लोग ब्रेकफास्ट करके सब होके रेडी होके यहाँ पे सरोजनी नगर आ गए हैं। और पर यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे उतारा, मैं बहुत सालों पहले आई थी तो मुझे अभी कुछ याद नहीं। हाँ, मार्केट तो याद है, शॉप्स तो अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत बेसिक से बहुत महंगा भी मिलता है, ऐसे मैंने मतलब बेसिक तो बहुत ज़्यादा मिलता है ये पता है। तो अभी देखते हैं क्या क्या अच्छा मिलता है। मुझे बहुत ऐसे बहुत टाइम के बाद ऐसे ऐसी वाली शॉपिंग भी देखनी है, मज़ा आता है ऐसे में करना। तो चलो लेट्स गो। और मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है, तो हम लोग उसका भी वेट कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे ही रहती है तो उनको यहाँ का पता है, तो उसका भी वेट कर रहे हैं। चलो फिर भी अंदर गेट नंबर 1 से अंदर जाना है, अभी पता ही नहीं कहाँ पे। भैया नंबर 1 कहाँ पे है, यहाँ से अंदर जाना है, सही जगह है। तो गेट नंबर 1 यहाँ से, ये मराठी गाना चल रहा है, एक विरा एक तो डोंगरावरी, पागल ऐसे लगा लगा ना इसे, मेरे को भी नहीं लगा। मैं सुनने तुझे कौन सा गाना आता है वो? हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, और ऐसे आदत छूट गई है तो मुझे अभी भी स्टिल आई एम कंफ्यूज, ऐसे बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, मैं भूल ही गई मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बोला था मेरी फ्रेंड आने वाली है, सलोनी मित्तल जी से हाय हेलो, तो आप इनको जानते ही होंगे, दिल्ली की है ये, तो यही मुझे आज शॉपिंग करवाएगी यहाँ पे ऐसे। और सच कुछ नहीं मिला तो मुझे, हाँ यहाँ ये इनके भरोसे हम लोग दिल्ली आए थे, हाँ ये बहुत ऐसे बोल रही थी आ जाओ अभी देखते हैं क्या होता है। सानू पूरी कोमा में चली गई, नहीं अभी इसने क्या किया पता है, जैसे ही उन्होंने बोला ये कितने का, 350, इसने बोला नहीं, इसने ऐसे लुक दिया, ऐसे लुक दिया, उसने बोला चलो 200 दे दो, इसने बोला चल नहीं चल नहीं तो चल आगे चलते, 150 सीधा 150 मैं ऐसे मार गई थी पहले बहुत ज्यादा, सारू कितना खतरनाक करती थी मैं, सीधा उनकी टपों की पुणे मुझे लगा 10 एकदम 150 तक आ जाती थी जब मैं ऐसे बहुत पहले, अभी मुझे नहीं होता क्या पता मैं भूल गई पहले ना मेरी जैसे खतरनाक, अभी इसका हिडन टैलेंट कौन सा चाहिए, या फिर ये सर मतलब क्या क्रॉप, क्रॉप ये क्रॉप है ना, ये सर ऐसे नहीं करते क्या आप लोग, लो ना ये लो पाइनएप्पल पाइनएप्पल पहन ले, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैंने पकड़ने का एक ठीक ही मौसम है, इंग्लिश में बोलो ना, 350 300 150 में दे रहा, तो ही नहीं ले रहा, कैसे बोल रहे हो यार आप, अभी आपने बोला 150 में दे रहा है, मैं ले रही हूँ ऐसे कमेंट करना 150 का दिया था, मैं चलाता ही हूं कमेंट करना, मैं टोटल बता रहा हूं, ऐसे कमेंट करना ये मैंने 150 का दिया था, किसी को पता ना मत, मैं दोनों का बताओ यार, दोनों का हाथ दोगे मेरे हाथ में तब ना,
मेरे हाथ में दो ना पैसे, इसका तो हो गया, ये तो फाइनल हो गया। ठीक है, कहाँ से? हाथ से उसका बोला 120। नहीं, हाथ से नहीं लेगा। चलो एक काम करो, ना तेरा ना मेरा 250, वो पुराना हो गया है। हाँ, बराबर। मैं तो चलो 350, 350 तो मैं दिया ना उसको 150 में, जो आपने बोला 150 में दे रहे थे। नहीं, अरे यार डन करो, मैं छोड़ के आगे जा रही। अच्छा लाओ लाओ, क्या 250 देना। चलो लाओ 350। पहले तो थोड़ा पढ़ा दिया करो, ऐसे उसमें तो फट ही जाएगा जाते जाते ही पूरा। छह लोग भाई आप लोग, तो क्या छह लोग क्या एक एक थैली पकड़ेंगे? रोज दे दो ठीक हो जाएगा, रोज दे दो ठीक हो जाएगा। देखो गर्लफ्रेंड ने आपको इतना ये कर दिया कि पूरा पर्स एकदम ये हो गया। 200 क्या हुआ सानू? सब मुझे ही पकड़ने दे रही है दोनों। आए हैं यहाँ पे खाना खाने, सुबह से खाया है हम लोगों ने, पर इन्होंने कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पे शॉपिंग करने में सच में मजा, मतलब कॉमेडी तो बहुत ही आई जो बेच रहे हैं ना उसने। और यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे लोग पहचान वाले, मतलब फैंस मिले, बहुत लोग मिले। पर एक मुझे ऐसे कि वो पूछ रहे हैं, दीदी आप यहाँ से शॉपिंग कर रहे हो, यहाँ से शॉपिंग करो, भाई ऐसा क्या है? मतलब यहाँ से करो या वॉल से करो, शॉपिंग शॉपिंग है। और मैं जब पहले ऐसे, जब जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पहले ब्लॉग में भी बोला था, मैंने 50 रुपये का टॉप भी पहना है। और अभी मतलब सब है हमारे पास, तो अच्छा लगता है कभी स्ट्रीट शॉपिंग भी करना और मॉल में भी जाना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बाहर ब्रांडेड ही पहनते, ऐसा कुछ नहीं है, सब पहनते। तो ऐसे आप मत सोचो कि हम लोग वेरीफाइड है या इतने बड़े हैं तो ऐसा कि हाँ। ये मुझे एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने बोला भाई इसका मतलब क्या, क्योंकि वो भी बेच रहे मेहनत कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मतलब दिल्ली का जितना भी पंजाबी क्राउड है ना, सब यहीं पे आते हैं। और सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है। सच में ऐसा लग रहा है ये बैंकॉक में तो नहीं गई, पर मैंने ऐसे देखा है, बहुत ही बहुत अलग है। यहाँ पे सारा ट्रेंडिंग ट्रेडिशनल तो बहुत एक्सपेंसिव है, पर ये बहुत सच में बहुत अच्छा है। मुझे वहाँ से हम लोगों ने अभी बहुत शूज हील्स बहुत लिए हैं, मुझे और सॉरी लग रहा है निशी के लिए, मुझे और रमता के लिए, कि मेरी इतनी बड़ी वो जो बैग आपने देखी थी ना, और अभी वो भी बेचारा कब से पकड़ के ऐसे घूम रहा है, उसके पास भी एक दो बैग है, वो भी पकड़ रहा है, मुझे दे ही नहीं रहा। मैं बोला ठीक है मैं पकड़ ले, कोई बात नहीं। आज ये फर्स्ट टाइम बैग पकड़ लिया मैंने, फिर भी पकड़ा ऐसे, मैं इतनी भी ये बदतमीज लड़की नहीं हूँ। अभी कुछ नहीं, ऑलमोस्ट एक लास्ट पेन बोल लो, कौन सा चाहिए? नहीं है यहाँ पे वाइट, नहीं हम लोग तो ब्राउन शूज देख रहे हैं, बूट्स नहीं है, बूट्स नहीं है, फिर चलो अच्छे हैं मैम, तो चलो लेट्स गो। इधर इधर बहुत टायर्ड हो गए हम लोग, मैं निशी सानू और वो भाई उधर है, तो भगवान आलू की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है।
आलू चाट खा के देखिए। ज्यादा चाट में ये मत करना, मसाला ज्यादा मत डालना। ये मसाला मत करो, पहले सालू तू टेस्ट करेगी। नहीं रमता टेस्ट कर, इससे आगे खाने पीने पहले रमता अरे बता तो खाने दे, मैंने देख के बोला था खाएगा खूब छाने। लेदर जैकेट ये सब पहना है, मुझे बिल्कुल ठंडी लग गया। और इनकी हालत देखो, ही कर रहे हैं। और मेरे इनकी ठंडी के चक्कर में मैंने जो शॉपिंग की है पूरे बैग्स मेरे ऊपर ही छोड़ के लाए इन लोगों ने। पर वो बात छोड़ दो, बात तो ये है कि ठंडी मुझे नहीं लग रही। और आज का दिन सच में मजा भी किया, ज्यादा कॉमेडी भी की, हंसे भी, थके कब, शाम को थके बहुत ज्यादा। बट अभी खाना खाया हम लोगों ने अच्छे से, यहाँ पे रनवे आए थे, यहाँ पे प्लेन के अंदर खाया, इन्हें सलोनी के भाई का ही था और खाना सच में अच्छा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो दिल्ली वाला ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और सरोजनी नगर में भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो कमेंट में बताना आपको सब कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा दिल्ली का और उसमें मैं शायद वो चीज़ें दिखाऊँगी। हम लोग प्रैंक कर रहे थे, तूने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। क्यों? सब लोग बाहर निकल गए, किसी को बैक कर दिया नहीं था। तो उसमें क्या, मुझे पता है। बाय बोल। ओके बाय, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना और मुस्कुराते रहना। बाय बाय, मिलते हैं अगले।